नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। वेलकम यू ऑल इन डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमीज यूट्यूब चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरआईएमसी एस्पिरेंट्स को लेकर, क्योंकि आरआईएमसी के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान हैं इन जो ये दो लास्ट पेपर्स हुए हैं मैथ्स के, खासकर आरआईएमसी से रिलेटेड पेरेंट्स भी और बच्चे भी काफ़ी परेशान हैं। और हमें भी थोड़ा सा गुस्सा तो है आरआईएमसी से कि आरआईएमसी को कहीं ना कहीं हमें एक प्रॉपर सिलेबस तो देना चाहिए ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को हम लोग तैयारी करवा सकें। लेकिन इस बार के जो ट्रेंड देखा गया है, पिछले दो पेपर्स आरआईएमसी के मैथ्स के जो देखे गए, अब हमें कंफर्म हो गया है कि आरआईएमसी सिर्फ अब ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चंस ही बच्चों से पूछेगा। कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली लगता है कि आरआईएमसी बच्चों की रीजनिंग एबिलिटी को बढ़ाना चाहता है, वो रीजनिंग का जो एप्टीट्यूड है उसको बढ़ाना चाहता है। तो इसी पर्पज़ के साथ शायद से आरआईएमसी आपको इस तरीके के पेपर्स दे रहा है जो बच्चों को टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ओके, तो इसी नए ट्रेंड को देखते हुए हम लोग आप लोग ले कुछ नए कोर्सेज लाए हैं, कुछ नए कोर्सेज हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। ओके, मेरा नाम है सूरज आर्या एंड आई एम द एकेडमिक हेड ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अच्छा, अब नए ट्रेंड को देखते हुए हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने दो कोर्सेज आप लोगों के लिए अभी लॉन्च किए हैं। पहला जो कोर्स है हमारा लाइव क्लासरूम का कोर्स है, जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन नहीं आ सकते उनके लिए बेसिकली ये जो लाइव क्लासेस हैं ये चलती हैं। इसको हम लोग गूगल मीट प्लेटफॉर्म में लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। गूगल मीट प्लेटफॉर्म में हम लोग आई होप कि सभी बच्चे लॉकडाउन से इस गूगल मीट प्लेटफॉर्म के बारे में अवेयर हैं। बहुत ही ईजी प्लेटफॉर्म है जिसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग बच्चों की हो जाती है, तो पेरेंट्स को ध्यान ऐसा कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। और इवन लाइव क्लासेस में पेरेंट्स भी साथ में बैठते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम एक बच्चे को जो कि बहुत दूर हमसे है, किसी अदर स्टेट में है, बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन डिलीवर कर सकते हैं। अब इस स्पेसिफिक लाइव क्लासरूम प्रोग्राम में क्या वो चेंजेस हमने किए हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली अभी तक जो हम लोग लाइव क्लासेस लेते थे उसकी जो टाइमिंग्स रहती थी वो रहती थी मॉर्निंग 5 to 6:30 की, ठीक है, मॉर्निंग 5 to 6:30 की, जिसमें हम लोग हर दिन एक सब्जेक्ट को कवर करते थे। जैसे मंडे मैथ्स है, ट्यूसडे इंग्लिश है, फिर वेनसडे जीके है, इस तरीके से हम लोग कवर करते थे। तो हफ्ते में 2 दिन मैथ्स, 2 दिन इंग्लिश और 2 दिन जीके हम लोग कवर करते थे। तो ये जो मॉर्निंग का स्केड्यूल है ये तो मतलब एज इट इज़ इंटैक्ट रहेगा, ये तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। इसमें जो हम लोग मैथ्स कवर करेंगे वो मैथ्स रहेगी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, जो बेसिकली पहले बच्चों से पूछी जाती थी। मतलब हम इसमें रेशियो, यूनिटरी मेथड, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, जो जो सिलेबस आरआईएमसी का हुआ करता था उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे, क्योंकि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आगे एडवांस मैथमेटिक्स या हायर लेवल ऑफ एलजेब्रा अगर आपको करना है तो वो बेसिक्स ज़रूरी है, ठीक है। तो इस लाइव कोर्स में ये सुबह की जो टाइमिंग्स है इसको तो हम इंटैक्ट रखेंगे, लेकिन साथ में एक एडिशनल जो नई चीज़ हमने इवॉल्व करी है, साथ में एडिशनल हम लोग आपकी एक इवनिंग क्लासेस लेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम 6:30 to 7:30। 1 घंटे की क्लासेस होंगी, वो सिर्फ मैथ्स की क्लासेस होंगी, इट विल बी टोटली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथ्स की क्लास होंगी विच विल बी टोटली बेस्ड ऑन ओलंपियाड बेस्ड मैथमेटिक्स, आई वुड से, ठीक है, ओलंपियाड बेस्ड मैथ्स की क्लास होंगी 6:30 से 7:30। लेकिन ये जो क्लासेस होंगे मैं आपको बता दूँ, ये हर दिन नहीं होंगे, बेसिकली 4 दिन इसको हम कवर करेंगे, 4 डेज अ वीक हम लोग ये लेने वाले हैं, जिसमें हम इसको लेंगे ट्यूसडे, वेनसडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है, ये 4 दिन हम लोग लेंगे। और एक बार अच्छा खासा कोर्स कंप्लीट हो जाए तो फिर संडेज़ को बच्चों के टेस्ट भी हम लोग कंडक्ट करवाएंगे। ओके, बेसिकली हम लोगों ने 2 टाइमिंग्स इसलिए रखी हैं क्योंकि कुछ पेरेंट्स के कॉल्स हमारे पास आ रहे थे, वो स्पेसिफिकली हमसे सिर्फ मैथ्स की क्लासेस करना चाहते हैं। उनका कहना था, उन पेरेंट्स का, कि सर हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा सिर्फ आपसे मैथ्स पढ़े, विच विल बी टोटली बेस्ड ऑन ओलंपियाड, कि सर बच्चा काफ़ी तैयारी कर चुका है ऑलरेडी और उसकी इंग्लिश और जीके उसका कहीं ना कहीं क्लियर है, या एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स है वो क्लियर है, तो वो सिर्फ हमसे ओलंपियाड की जो मैथ्स है वो पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे। तो इसलिए हमने शाम की टाइमिंग रखी है ताकि वो इस शाम वाले बैच को ज्वाइन कर सकें। बाकी जो कंप्लीट कोर्स लेगा इस लाइव का वो तो मॉर्निंग वाली क्लासेस भी लेगा और इवनिंग वाली क्लासेस भी लेगा। ओके, लेकिन जिसको सिर्फ स्पेसिफिकली ये इवनिंग वाला बैच चाहिए वो भी इस इवनिंग वाली क्लासेस में एनरोल कर सकता है। ओके, नीचे दिए गए नंबर से आप ज़रूर संपर्क करें। अब ये जो हमारा इवॉल्व्ड जो लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है, या जो ये लाइव कोर्स है जिसको हमने अभी आरआईएमसी के नए कोर्स को देखते हुए हम लोगों ने, या नए ट्रेंड को देखते हुए हमने इवॉल्व करा है, ये जो बैच है ये हमारा 11th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। कुछ दिन ओरिएंटेशन चलेगा,
बेसिकली बच्चों को बताया जाएगा कि किस तरीके का ट्रेंड अब आरएमसी का आ चुका है, थोड़ा सा ओरिएंटेशन क्लासेस चलेंगी। तो आप, मैं चाहूँगा कि आप एज सुन एज पॉसिबल हमें ज्वाइन करें। मंडे है, मंडे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली जो ये ओलंपियाड बेस्ड मैथ्स के जो क्वेश्चंस देखे गए हैं आरएमसी में, दे आर नॉट सिंपल क्वेश्चंस ऑफ क्लास एट्थ या क्लास सेवन्थ की जो ओलंपियाड में क्वेश्चंस देखे गए हैं, ये कुछ इंटरनेशनल बुक्स हैं और यहाँ पर ये क्वेश्चंस देखे गए हैं इस तरीके का पैटर्न। बेसिकली मैथमेटिकल सर्कल्स करके है एक रशियन एक्सपीरियंस एक क्लास है, विच एक बुक है बाय फोमिन, जेनकिन और रेडनबर्ग। यहाँ से क्वेश्चंस देखे गए हैं। और अमेरिकन मैथमेटिक्स कॉम्पिटिशंस करके एक बच्चों का ओलंपियाड है जो मैथमेटिकल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका कंडक्ट करवाता है माँ, उससे रिलेट उसमें ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं जो बच्चों के आरएमसी में पूछे जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हम बच्चों को करवाएंगे। कुछ हायर एलजेब्रा करवानी पड़ेगी, कुछ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाने पड़ेंगे, तब जाकर बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन कर पाएंगे जो इस बार आरएमसी में पूछे गए या जो ट्रेंड अब नया स्टार्ट हुआ है। तो आप, मैं चाहता हूं कि आप नीचे दिए गए नंबर से संपर्क करें, और क्योंकि हमारा हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में, लाइव क्लासरूम प्रोग्राम में लिमिटेड सीट्स रहती हैं, तो आप जल्द से जल्द इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चे ऑफलाइन आने में इंटरेस्टेड हैं, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ऑफलाइन में कहीं ना कहीं मैं प्रेफरेंस तो ज़्यादा देता ही हूँ लाइव प्रोग्राम से, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चों की एक मॉनिटरिंग बहुत बेहतर तरीके से हो जाती है और बच्चों के पास एक एक्सेस मिल जाता है टीचर्स का बहुत ज़्यादा, ताकि वो अपने डाउट्स पूछ सकें। तो अगर पेरेंट्स हमारे पास आ सकते हैं तो मैं ऑफलाइन को प्रेफरेंस दूंगा। ठीक है, आप ऑफलाइन हमारे पास आ सकते हैं। बेसिकली अगर आप ऑफलाइन आएंगे तो हम आपको हॉस्टल फैसिलिटी या स्कूल की फैसिलिटी अगर आपको चाहिए तो वो सारी फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप हमसे अधिक जानकारी ले सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके। अच्छा, तो अब इसमें ऑफलाइन क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस करे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ऑफलाइन में हमारे लिए काफ़ी ईजी रहता है बच्चों को देखते हुए, उनके बेसिक्स को देखते हुए उनको सेग्रीगेट करना। बेसिकली ऑफलाइन में हमने तीन बैचेस बनाए हैं। एक तो हमारा लर्नर बैच है, उस लर्नर बैच में हम लोग बेसिक मैथ्स को कवर करते हैं। बेसिकली बच्चे की कैलकुलेशन या इंटरप्रिटेशन, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन को इसमें कवर किया जाता है। ठीक है, बेसिक इंग्लिश और बेसिक पॉइंट्स ऑफ जीके उसमें कवर करे जाते हैं। फिर बच्चा आता है उससे फाउंडेशन बैच में। फाउंडेशन बैच में विल कवर द एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो बेसिकली आरएमसी में पूछी जाती थी, जिसमें हम उनको टॉपिक्स करवाना स्टार्ट करते हैं लाइक परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे जो बेसिकली एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पार्ट है। और फिर हम लोग एक एडवांस्ड बैच हम लोगों ने अलग से बनाया है। उस एडवांस्ड बैच में हम उन बच्चों को रखेंगे जिनकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अच्छी होगी, जिनके इंग्लिश के बेसिक्स अच्छे होंगे, ताकि उस एडवांस्ड बैच में हम लोग खासकर मैथ्स से रिलेटेड, मैं बात कर रहा हूँ, खासकर हम लोग ओलंपियाड बेस्ड मैथमेटिक्स को कवर कर सकें। अगेन, विच विल बी टोटली बेस्ड ऑन दिस टू रेफरेंस विच आई हैव टेकन फ्रॉम, वन फ्रॉम मैथमेटिकल सर्कल्स, और एक ये जो अमेरिकन मैथमेटिक्स कॉम्पिटिशन है, यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस बच्चों को करवाएंगे, ताकि आरएमसी में जो पैटर्न देखने को मिला है उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम लोग अपने आप को इवॉल्व कर पाएँ या अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ। तो इस तरीके से ऑफलाइन का एक कटिंग एज रहता है लाइव क्लासेस के ऊपर, क्योंकि ऑफलाइन में कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग और एक बच्चे को मौका मिलता है हमसे मैक्सिमम डाउट्स पूछ। तो आई होप कि ये आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ये जो ऑफलाइन के जो रजिस्ट्रेशन है ये स्टार्ट हो गए हैं, फ्रॉम 4th of December से ये स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी इसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, एडमिशन्स चल रहे हैं, तो आप फिर से नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करें और हमसे अधिक जानकारी ले सकते हैं। कुछ और डाउट्स आपके मन में होंगे, पेरेंट्स के मन में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और जल्द से जल्द मैं चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को एनरोल करें, और जो टारगेट है बच्चे का आरएमसी ज्वाइन करने का, या जो मिशन है उसका, या जो ड्रीम है, मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं उसमें हमारा योगदान रहे और कहीं ना कहीं बच्चा अपने उस सपने को ज़रूर पूरा करे। चाहे कैसा भी एग्ज़ाम का पैटर्न आ जाए, कहीं ना कहीं बच्चे को उसके अनुसार मुझे लगता है कि इवॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब जो भी गुस्सा है हमारा आरएमसी से, देखिए आरएमसी से एक ही हमारा कंसर्न था कि अगर आरएमसी कुछ चेंजेस लाता भी तो हमें एक बार सभी लोगों को इंटीमेट ज़रूर करना चाहिए था आरएमसी। एक नोटिस लिया था इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इस तरीके से तैयारी करें। क्योंकि ये तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिना तैयारी के तो हो नहीं सकते। अगर आरएमसी सोचता है कि हमारे जो नॉर्मल स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे, तो वो गलत सोच है मुझे लगता है आरएमसी की। इसके लिए अलग से प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा रिविज़न इसमें चाहिए। और एक चीज़ और बता दूँ मैं पेरेंट्स को कि अब हमें और ज़्यादा समय लगेगा कहीं ना कहीं बच्चों को आरएमसी के लिए तैयार करने में, क्योंकि
मैंने आपको बताया ना, हमने 3 बैचेस बनाए, तो कहीं ना कहीं 3 चरणों को देखते हुए अगर हम चलेंगे तो आप समय ज़्यादा लेकर आप आइएगा। अगर आपका बच्चा 4th में है तो आप अभी से RMC के बारे में सोचिए, क्योंकि 4th में बच्चे के बेसिक्स पे काम किया जा सकता है, लेटर स्टेजेस में 5th में या 6th के स्टार्टिंग में बच्चे के फाउंडेशन में काम किया जा सकता है, और फिर हम लोग ओलंपियाड बेस्ड मैथमेटिक्स बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ताकि जब 6th के एंड में या 7th में उसके अटेम्प्ट्स आएँ तो वो बच्चा केपेबल हो ऐसे एग्जाम्स को टैकल करने के लिए। ओके, तो इसी नोट के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नंबर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिए हैं, ज़रूर आप हमें फ़ोन कीजिएगा और जो भी अपने डाउट्स हैं वो क्लियर करिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।